लास्ट ईयर 30 जनवरी 2020 में कोरोना वायरस इंडिया में आया था, जिसने हमारी ज़िंदगी पूरी अलग कर दी। एक साल से ऊपर हो चुका है अभी इस वायरस को, और इन पिछले एक साल में हम बहुत ज़्यादा बोर हुए, ब्रोक हुए, और यूथ बहुत इरिटेट हुआ घर बैठे बैठे, एंड मेनी काउंटलेस पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। इस टाइम में लोगों की क्या गलतियाँ थी? पहली गलती थी सिचुएशन को ना समझना, दूसरी गलती मास्क को प्रॉपरली नहीं पहनना, तीसरी गलती थी डिस्टेंस मेंटेन रखना, और चौथी गलती जो एडवांटेज ले रहे हैं इस लॉकडाउन का, इस सिचुएशन का। अब हम सबको पता है वैक्सीनेशन आ चुकी हैं, पर मेरा मानना यह है कि वैक्सीनेशन देने का तरीका ना गलत है। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता जो स्प्रेड नहीं हो सकता था, तो सबको गैदर करना, बुलाना गवर्नमेंट्स के थ्रू अच्छा रहता, पर ये तरीका ठीक नहीं है वायरल इन्फेक्शन के केस में। इंस्टेड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की टीम अलग अलग एरियाज में जाती, वो रूल्स अच्छी तरह फॉलो करते, हर चीज़ का ध्यान रखते और डिस्टेंस मेंटेन रखते, मास्क यूज़ करते, सैनिटाइजर यूज़ करते, और मेरे हिसाब से सोसाइटीज़ में जाके जल्दी सिटी के मेजर हिस्से ज़्यादातर लोग कवर होते वैक्सीनेशन के लिए, और ये चीज़ श्योरली कोरोना का स्प्रेड सिटीज़ में रोक देती। नाउ आई नो इसके अकॉर्डिंग दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहली प्रॉब्लम आ सकती है कि वैक्सीनेशन जो बॉटल होती है वो खोलने के बाद तुरंत लगानी होती है लोगों में, अदरवाइज वो ख़राब हो जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम होती है कि वैक्सीनेशन की चोरी, और जिसका दोनों का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं वेस्टेज ऑफ वैक्सीनेशन के ऊपर। किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में 500 से 2000 लोग तो रहते ही रहते हैं, तो आई बिलीव इतने लोगों को लगाने के चक्कर में अगर 1 से 5 बॉटल्स का डैमेज होता है या वेस्टेज होता है, तो वो कोई ज़्यादा वेस्टेज नहीं है। इससे ज़्यादा वेस्टेज तो ऑलरेडी हैपन हो रहा है जहाँ पे वैक्सीनेशन एक्सपायर हो रही हैं पड़े पड़े। अब स्टीलिंग ऑफ वैक्सीन रोकना और भी आसान है। हर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को एजेंट आईडी दी जाए, और उस एजेंट आईडी के साथ वो आधार कार्ड लिंक हो जाएंगे जिस जिसको वो वैक्सीन देगा, और उसको कितनी वैक्सीन दी गई कितनी नहीं दी गई वो सबका हिसाब उस सर्वर पे रहेगा। लेट्स होप वे ऑफ वैक्सीनेशन चेंजेस फॉर द बेटर ऑफ द नेशन। इफ वी ऑल वर्क टुगेदर एवरीथिंग कैन बी ब्रिंग बैक टू गुड ओल्ड प्री कोरोना टाइम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।